इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। 51% जायदाद हमने इसके नाम कर दी। क्या आप कैसे कर सकती हैं बड़ी अम्मा? आपका ही खून इस परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन। हम फैसला कर चुके। ब्रेसलेट। इस घर के मालकिन होने के नाते मैं आज से आप दोनों को एक दूसरे से अलग कर रही हूँ। मैं आप दोनों पर छोड़ रही कि कौन इस घर में रहेगा और कौन इस घर से जाएगा। क्या साहिल के लिए आर्या की नफरत कर देगी वेदिका और साहिल को जुदा? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। आप हमारे साथ क्यों नहीं चल रहे हो? मुझे आपके साथ ही रहना है पापा। बहुत हो गया तमाशा। जिसे बहुत प्यार आ रहा है ना वेदिका अग्रवाल पे, वो भी ये घर छोड़कर जा सकता है। तो नाराज़ छोड़ दे, माफ कर दे अपनी माँ को। आज प्यार के सामने हमने अपने खून को चुना। वेदिका और साहिल की दूरियाँ क्या ला पाएगी वापस आर्या को अपने परिवार के पास, या ये दूरियाँ खड़ी कर देगी दीवार साहिल और वेदिका के बीच? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। आप हमारे साथ क्यों नहीं चल रहे हो? मुझे आपके साथ ही रहना है पापा। बहुत हो गया तमाशा। जिसे बहुत प्यार आ रहा है ना वेदिका अग्रवाल पे, वो भी ये घर छोड़कर जा सकता है। बेटा अब तो नाराज मत छोड़ दे, माफ कर दे अपनी माँ को। आज प्यार के सामने हमने अपने खून को चुना। वेदिका और साहिल की दूरियाँ क्या ला पाएगी वापस आर्या को अपने परिवार के पास, या ये दूरियाँ खड़ी कर देगी दीवार साहिल और वेदिका के बीच? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। सिंगार करके गोदी भराई ने, सोला सिंगार करके। अम्मा, हमारा हार? कोई भी बिना तलाशी के घर के बाहर नहीं जाएगा। ए नचनिया, तू कहाँ चली? वेदिका, अगर तुम चाहती क्या हो? किस बात का बदला ले रही हो हमारे परिवार से? श्रुति को बदनाम करना चाहती हो? नहीं साहिल, बहुत कोशिश की मैंने इस अनोखी प्रेम कहानी को निभाने की। पीड़ा तकलीफ यही रही मेरी जिंदगी जब से मैंने आपसे शादी की। हम सबको छोड़ के हमेशा के लिए चल जाइए। बेटी की जिद के आगे माँ ने उठाया एक नया कदम। माई डार्लिंग पतिदेव, सारे डिसीजंस तुम अकेले तो नहीं ले सकते हो ना? मैंने डिसाइड किया है कि हम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे, इसी छत के नीचे रहेंगे हम। जो करना है कर लो। वैसे जेठानी जी, बहुत शौक है ना आपको देवरानी जेठानी का रिश्ता निभाने का? आज से बस वही रिश्ता निभाएंगे। क्या वेदिका देवरानी बनकर करवा पाएगी आर्या को उसकी गलतियों का एहसास? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को छोड़ने की? क्या सोचा था तुमने? तुम मेरी बेटी के साथ गलत करोगे और मैं चुप बैठूंगी? आज तो तुम्हें खत्म करूंगी मैं। Yeah.
हमारे परिवार को कमजोर समझा तूने। एक बात याद रखना, जब तक साहिल वेदिका साथ में ना, तू किसी का खुशी बिगाड़ सकता। साहिल जी, आप कानून अपने हाथ में मत लीजिए। गिरफ्तार कर लो इसे, गुड्डू का खून ही है ये। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम दोनों। आज के इस दिन को खास बनाने के लिए मैंने और वेदू ने मम्मा और साहिल पापा के लिए बहुत स्पेशल चीज रेडी की। दो दिल जो कभी जुदा नहीं होंगे, साहिल और वेदिका, उनके अनोखे प्यार की खूबसूरत लव स्टोरी। वेदू, विराट कहाँ है? गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं अगले हफ्ते देखिए। मैंने गुड्डन को मंगलसूत्र पहनाने के अलावा एक और वादा किया था कि ये सब जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे जो मास्टरमाइंड है उसको ढूंढ के निकालूंगा। कौन है वो? प्लीज बताइए ना अंगद जी, कौन है वो? अपनी बहू दुर्गा की इस गलती की कौन सी सजा सुनाएगी इंडिया की यंगेस्ट सास गुड्डन? कल खुले की कार्रवाई का आखिरी दिन है। कार्रवाई तो तब होगी ना अबू, जब अम्मी और अलीना इस कार्रवाई को होने देंगे। वो दोनों काजी साहब के घर गए दरखास्त करने ताकि कबीर और जारा का रिश्ता बचा सकें। इस खुला को होने से रोका भी तो जा सकता है ना। कबीर भाई, सारा भाभी भी मुंबई में है और वो आपसे मिलना भी चाहती है। इंस्पेक्टर साहब, आप इसे छोड़ दीजिए। ये वही लड़की है जिसने अपनी कार से आपका एक्सीडेंट किया। एक्सीडेंट किया नहीं, एक्सीडेंट हुआ था इंस्पेक्टर साहब। इसकी गलती नहीं है, मैं खुद बिना देखे सड़क क्रॉस कर रही थी। इसने कुछ नहीं किया, शी इज इनोसेंट। गाड़ी तो यही है पर शर्लिन कहाँ है? मुझे एक गुरु की जरूरत है जो मुझे शिक्षा दे सके, उस चुड़ैल के खिलाफ लड़ने की हिम्मत दे सके। और इस पूरे गांव में तुम्हारे अलावा ऐसा कोई नहीं है वनराज। तो बताओ, बनोगे मेरे गुरु? जैसा छोटा मोटा आइडिया नहीं, ये तमाशा रोकने के लिए कुछ बड़ा सोचना होगा जिसका सारा इल्जाम दीप पर लगे। मल्हार जी, मैं आपको जेल से छुड़ा के ही रहूंगी। प्लान का दूसरा स्टेप लेने का वक्त आ गया। ये सब करने से हम उस आदमी तक कैसे पहुंचेंगे जिसने वो झूठी चिट्ठी लिखी है? करो। ये सच है कि वो चिट्ठी राव साहब की लिखी नहीं थी। अप्पा की लिखी ही नहीं थी तो फिर किसकी लिखी थी वो चिट्ठी? हम में से कोई? हाँ। मिन्नतों बाद किस्मत भी अपना मुख मोड़ ले रही है और फिर एक साथ ले आ रही है इन दो प्यार करने वालों को। कैसे मुकम्मल होगा ये बचपन की दास्तां का प्यार, जानने के लिए देखिए ये तेरी गलियां के मुंबई हनीमून स्पेशल का अगला रोमांच भरा सप्ताह। देखते रहिए सोमवार से शुक्रवार